हेलो दोस्तों, ए आर मोबाइल रिपेयरिंग चैनल पे आप सब लोग को फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, UMT डेंगल आप किस तरह PC या लैपटॉप से इंस्टॉल कर सकते हो, मैं आज इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो पूरे लास्ट तक देखते रहिए और आपका UMT वीडियो डेंगल शुरू करने से इंस्टॉल। पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटा भी दबा दीजिए नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। UMT डेंगल इंस्टॉल करने से सबसे पहले क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। पहले ये देख लीजिए, ये जो सेटअप है वो डाउनलोड करना होगा सबसे पहले। तो ये सेटअप कहाँ मिलेगा, मेरा वीडियो का नीचे लिंक मिल जाएगा, इस लिंक से ये सेटअप डाउनलोड कर लीजिए। ये सेटअप का देख लीजिए, MB 1GB 4 पॉइंट है, तो 1 GB से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये सेटअप पहले डाउनलोड कर लीजिए, मेरा वीडियो का नीचे लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर पे जो एंटीवायरस है और डिसेबल कर लीजिए और नेट कनेक्ट रख लीजिए आपका लैपटॉप या PC से। उसके बाद ये जो सेटअप है वो मैं एक्स्ट्रा कर लिया, अब एक्स्ट्रा कर लेना है। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, ये जो 1 2 3 4 5 6 सेटअप दिखाई दे रहा है, ये 6 को इंस्टॉल कर देना है। इसके बाद आइए सेट पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है लेकिन मैं पूरे दिखाने जा रहा हूँ UMT डेंगल पूरे फुल सेटअप किस तरह कर सकते हो आपका PC या लैपटॉप से। दोस्तों, वीडियो पूरे देखते रहिए और आपका UMT डेंगल इंस्टॉल कर लीजिए। ये दोस्तों जिस तरह समझ जा रहा है, इस तरह ये कोई तबलीग का बात नहीं है, तो ये आसान है दोस्तों, काम करने से पूरे आसान है। आप पूरा आसान से आप इंस्टॉल कर सकते हो UMT डेंगल आपका। उसके बाद जो नीचे दिखाई दे रहा है वो इंस्टॉल कर लीजिए, एक एक करके पूरे 6 को, 6 सेटअप को इंस्टॉल कर लीजिए। इससे थोड़ा टाइम लग जाता है दोस्तों, तो आप तो इंस्टॉल करना ही होगा ना। इंस्टॉल का प्रोसेस सेम है सबका। दोस्तों, मेरा PC थोड़ा स्लो है इसलिए काम थोड़ा स्लो चल रहा है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए, फिर रन को टिक मार्क हटा देना और फिनिश पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद नीचे जो है 2.7.0 इसे इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट और फिनिश पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद नीचे जो दिखाई दे रहा है UMT प्रो अल्टीमेट FRP 0.3 इसे इंस्टॉल कर लीजिए। एक एक करके ये 6 सेटअप को पूरे इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल का प्रोसेस सेम है दोस्तों।
हो गया इंस्टॉल। उसके बाद ये जो ड्राइवर आएगा वो इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल होने का बाद इस तरह पांच फाइल देखने को मिलेगा आपको, 1 2 3 4 पांच फाइल देखने को मिलेगा। ये पांचों फाइल इंस्टॉल होने का बाद आपका डेस्कटॉप में आ जाएगा। तो डेस्कटॉप में आने का बाद डायरेक्ट ओपन नहीं होगा, ये देख लीजिए। उसके बाद जाइए आप डिवाइस मैनेजर पे, ये देख लीजिए इस तरह एरर आ जाएगा। तो आप जाइए डिवाइस मैनेजर पे, डिवाइस मैनेजर पे जाने का बाद आपका जो डेंगल है वो कनेक्ट कर लीजिए। और नेट कनेक्ट करना होगा दोस्तों, सबसे पहले ये बात ध्यान से सुनिए। उसके बाद यहाँ पे जो ड्राइवर है, डेंगल का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल कर लीजिए। मेरा सिस्टम भी 32 है, मैं 32 कर रहा हूँ। ये नीचे जो है वो 64 है। ये सिस्टम भी कहाँ मिलेगा देखने को, ये देख लीजिए। माई कंप्यूटर पे जाइए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाइए। उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है 32 बिट है, ये आपका सिस्टम बिट है। तो मेरा सिस्टम बिट 32 है, मैं 32 इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मैंने पहले करके रख दिया, अभी नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जाइए अल्टीमेट मल्टी टूल्स पे, जीएसएम टूल्स पे ओपन कर लीजिए। देख लीजिए दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है एरर, मतलब आपका जो कार्ड है, डेंगल का अंदर जो कार्ड लगा हुआ है वो अपडेट नहीं है, तो अपडेट करना होगा। इस तरह एरर आने का बाद क्या करना होगा आपको देखते रहिए। आप जाइए सेटअप का अंदर, जाने का बाद मिलेगा ये UMT अपडेट सेटअप, इससे UMTFW अपडेटर, इस का अंदर जाइए। उसके बाद ये ओपन कर लीजिए, करने का बाद ये इस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद जो दिखाई दे रहा है गेट कार्ड इन्फो, इसे क्लिक कर लीजिए। ये जो सीरियल नंबर है, ये आपका कार्ड का सीरियल नंबर है दोस्तों। उसके बाद ये अपडेट कार्ड पे जाइए, ये देख लीजिए हमारा कार्ड अपडेट हो गया। अपडेट ओके दिखाई दे रहा है, कार्ड अपडेट ओके दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये काट लीजिए। उसके बाद जो टूल है, आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यस पे क्लिक कर देना है। इससे थोड़ा टाइम लग जाता है दोस्तों ओपन होने में। उसके बाद ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है अपडेट कार्ड, इसे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद क्लोज पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद फिर जाइए जाके ओपन कर लीजिए।
उसके बाद यहाँ पे सेकंड आएगा, ये सेकंड जीरो होने का तो इंतज़ार कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क लगा देना है और ये चेक पे क्लिक कर देना है। ये देख लीजिए हमारा बॉक्स ओपन हो चुका है। ये देख लीजिए आगे का प्रोसेस मैं किसी और वीडियो पे दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं सेटअप किस तरह करना है, किस तरह कार्ड अपडेट करना है ये मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद एक एक करके आप ये जो 6 फाइल सेटअप आया आपका सामने, ये एक एक करके सब देख सकते हो, सब ओपन हो रहा है कि नहीं मैं दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए अल्टीमेट मल्टी टूल QC। QC का मतलब है दोस्तों, ये कॉलकॉम जो है वो QC नाम पे आ जाता है। ये देख लीजिए उसके बाद एक एक करके सब भी ओपन होगा। मैं सब नहीं देखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। ये देख लीजिए सब ओपन हो रहा है दोस्तों, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपका, डेंगल डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, सेटअप पूरे हो चुका है। दोस्तों मेरे वीडियो देख के आप सब लोग को अच्छा लगे, किसी काम पे आ जाए अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि मैं बहुत परेशानी से बहुत मुश्किल से आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो सेटअप है मैं बहुत ढूंढ के मिला है, ये जो सेटअप सब मिला के मैं आप सब लोग को दे रहा हूँ लिंक मैं अपलोड करके। तो दोस्तों मेरा वीडियो देख के आप सब लोग को अच्छा लगे, किसी काम पे आ जाए तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे एक लाइक कीजिए, क्योंकि मैं हर दिन ऐसे वीडियो लेता रहूँगा और आपको मिल जाए। तो आज के लिए वीडियो इतना तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।